देखिए मेरा कोई रुख नहीं है मेरा रुख तो यह है कि भाई फिल्म को फिल्म की तरह समझो और देखो इतना पार्ट ऐसा है जिसके कारण से कोई लोगों की हार्ट को पीड़ा होती है या कोई उनको दुख होता है उसको देख करके बंसारी जी से कहेंगे कि उन बिंदुओं को ख़त्म करके बात कीजिए पदमावती फिल्म अभी रिलीज हुई नहीं है अभी देखने के बाद ही अपने को इसमें क्या दे रहे हैं वो अपने देखने के बाद ही कुछ पता हमसे अगर कोई चीज़ की आवश्यकता है हम उसमें कमेटी में हो या ना हो इस बात ये बात कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जो व्यक्ति जिन्होंने हकीकत में जिनका इस पूरी व्यवस्था से जुड़ाव रहा है उन सर समाज के सब व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाए और उस समिति के सामने इसका एक इसकी एक स्क्रीनिंग रखी जाए मेरी दादी के ऊपर कोई फिल्म बना रहा है और मुझे

और एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ पदमावती और लाउदी के बीच कोई ड्रीम सीक्वेंस नहीं है कोई नहीं है जो किसी को भी तकलीफ दे के बाद आपका स्वागत है लगातार हम वो बयान भी सुना रहे हैं जो सियासतदानों की तरफ से दिए जा रहे हैं और जनता जनार्दन भी इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रही है ये भी हम आपको सुना रहे हैं एक खास पैनल मेरे साथ लगातार बना हुआ है मेरे साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत गर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी हैं जमात ए इस्लामी हिंद के मीडिया सेक्रेटरी डॉक्टर इकबाल जी हैं बीजेपी नेता अमित गोयल हैं और कांग्रेस नेता अजीत सिंह शेखावत जी भी हैं सुखदेव सिंह जी गृहमंत्री का बयान आपने सुना वो कह रहे हैं कि इसको जो है अभी सेंसर बोर्ड से मंजूरी नहीं मिली है वहीं पर अन्य नेता कह रहे हैं कि फिल्म है फिल्म के नजरिए से देख लें एक और कहते हैं कि कानून को अगर हमारे दादी के बारे में कोई ऐसा लिखेगा हमारे परिजनों के बारे में कोई ऐसा लिखेगा तो कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको भी लांघकर चले जाएंगे विरोध की सीमा क्या है विरोध की सीमा है ये राजस्थान के गृह मंत्री जी तो बार बार बयानों से पलटते हैं आपको अच्छी तरह से पता है शहीद आनंद पाल का इंकाउंटर हुआ था फर्जी उसमें भी इन्होंने बार बार बयान पलटे थे तो तो ये तो पलटी मार है ये तो उदाहरण ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि आज मेरे को किसी ने मारने की धमकी दी मैंने अप्लीकेशन लगा दी थाने में कि मेरे को फलाने फलाने आदमी ने मारने की धमकी दी है तो वहां इंतजार किया जाता है उनको पाबंद नहीं किया जाता अगलों को इंतजार किया जाता है कि मेरा मर्डर कब हो और हम जांच करने के लिए पहुंचे ये तो वो बयान होगा इन गृह मंत्री जी का तो ये पलटी मार हो रहे हैं ये गृह मंत्री जी को बोलना ही नहीं चाहिए इनको इनकी पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं वो सुननी चाहिए या राजस्थान के गृह मंत्री की सुननी चाहिए तो मैं तो यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी अगर राजस्थान में आपका राजस्थान तक की सिस्टम है राजस्थान में इस फिल्म को आपने वे नहीं किया मैंने तीन मार्च के विधानसभा घेराव में आप लोगों से लिखवा करके लिया था उसमें आपके तीन कैबिनेट मंत्री थे अरुण चतुर्वेदी जी सिंह जी राणावत यूनिस् तीनों ने रोड पर आकर के मेरे को लिख करके दे करके गए थे मैंने कहा मैं बंद कमरों में मीटिंगे और समझौते करने वालों में से नहीं हूं मैं सड़कों पर लड़ने वाला एक छोटा सा कार्य करता हूं यहां सरकार को वार्ता करनी है तो रोड पर आओ और रोड पर आकर के आपके तीन मंत्री लिखित में दे करके गए थे कि हम राजस्थान में शूटिंग नहीं होने देंगे उस बात पर कायम रहे उसके लिए हम स्वागत करते हैं पर आपने यह भी कहा था कि राजस्थान में जब भी कहीं बाहर बन गई फिल्म और आएगी तो हम स्क्रीनिंग दिखाए बगैर पास नहीं होने देंगे तो मैं आपके बताना चाहता हूं आपको कि घूमर का गाना कैसे प्रस्तुत कर दिया किस कौन से सेंसर बोर्ड से इसने परमिशन ली कौन सी भारत सरकार से इसने परमिशन ली तीन मिनट का ट्रेलर इसने किसकी परमिशन से जारी किया यह मैं तो कहता हूं सेंसर बोर्ड के जो नियम है अंग्रेजों के टाइम के हैं सेंसर बोल्ट के नियम चेंज करने चाहिए केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुला करके और जो एक करोड़ रुपए मैंने पहले भी कहा है ये फंडिंग हुई है कहां से हुई है आई एस आई और दाऊद के इशारे पर यह काम हो रहा है इस देश में राजपुताने के इतिहास को मिटाने का हिंदुत्व तो को मिटाने का और जो हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के साथ इस भारत के अंदर रहते हैं उनका सद्भाव मिटाने के लिए उनको आपस में लड़ाने के लिए इस फिल्म का इस्तेमाल किया जा रहा है इस फिल्म को पूर्ण रूप से बैन करो पूर्ण रूप से बैन करो और आज मैंने एक टीवी के माध्यम से देखा कि पंद्रह से अठारह के बीच में स्क्रीनिंग दिखाएगा भांड ये मैं कहता हूं कौन सा इतिहासकार है सड़कों पर हम लड़ रहे हैं डेढ़ साल से और वो इतिहासकार दो मिनट में जाकर के साइन करके दे देगा कि यह फिल्म सही है चला दो तो मान लेगी क्या देश की जनता नहीं मानेंगे हम कान खोल करके सुन लो, नहीं मानेंगे हम, हम इस सरकार को बनाना जानते हैं, तो जानते हैं, हैं। तो पटकना भी अगर हिंदुस्तानी लोगों के साथ हिंदुस्तानी लोगों के साथ राजपुताने के साथ हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम कानून की हद में रहने वाले लोग हैं पर जब कानून अंधा हो जाता है तो हम कानून भी हाथ में लेने ठीक है सुखदेव जी सुखदेव जी ठीक है मतलब ये गुस्सा काफी हद तक जायज हो सकता है लेकिन मैं कुछ आपके ही बयान जो मतलब दिए गए हैं उनका मैं जिक्र यहां पर कर रहा हूं पहले ये कहा गया कि जो फिल्म है उसमें अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के स्वप्न के अंदर सपने के अंदर कुछ दृश्य फिल्म आए गए जिसका विरोध किया गया संजय लीला भंसाली सामने आए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है फिर घूमर को लेकर विरोध किया गया उन्होंने उस पर भी माफी मांगी कि अगर कोई आपत्ति है तो उसका मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं और कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो कि फिल्म में होगा फिर आपकी तरफ से मांग उठी कि इसकी स्क्रीनिंग पहले कमेटी की तरफ से कराई जाए और उसमें जो जो आपत्ति हो उसको हटाया जाए संजय लीला भंसाली ने इस बात को भी माना हो सकता है कि विरोध के आगे वो झुक गए हैं लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि यह फिल्म बैन ही होनी चाहिए तो सर स्टैंड तो आपकी तरफ से भी बदले गए हैं नहीं बदले गए आज भी हम हमारे स्टैंड पर हैं इसके अंदर वो अश्लीलता पुरसेगा अश्लीलता पुरुषेगा वो मिर्च मसाले के बगैर फिल्म बना ही नहीं सकता क्योंकि इसके हाथ तो नहीं है। कर रहा है बंसाली के हाथ में कुछ नहीं है जो दाऊद वहां बैठा और आईएसआई आई कहेगी उसी तरह से ये फिल्म को बनाया है उसी तरह दिखाएगा ये पलटी मार आदमी है ये मिर्च मसाला दिखाएगा हमारी सती माता परवरी के मसाज करते हुए दिखाएगा टप में नहाते हुए दिखाएगा स्विंग पूल के सीन दिखाएगा कम कपड़ों के लटके झटकों के सीन दिखाएंगे तो हमारी सती माता पद्मावती खाली अकेले राजपुताने का स्वाभिमान नहीं थी इस देश के हर हिंदुस्तानी का स्वाभिमान और हिंदुस्तानी औरतों का स्वाभिमान लेकिन सुधीर जो मेरा तो मेरा बहुत बेसिक सवाल है कि पहले ही दिन फिर ये मांग क्यों नहीं की गई कि इस फिल्म को रिलीज ही नहीं होना चाहिए ये बननी ही नहीं चाहिए किसने नहीं की मांग हमने की है और इस भांड को हमने कहा था कि तू पूरे भारत में कहीं भी सार्वजनिक शूटिंग करके दिखा दे हम हमारे नाम के आगे से राजपूत मिटा लेंगे इस मैंने इसको कहा था सार्वजनिक शूटिंग कहीं भारत में नहीं करने दूंगा जी चार दीवारी के अंदर कंप्यूटर से बना सकता है और वही हुआ है सार्वजनिक इसको शूटिंग नहीं करने दी हमने ये जयपुर में शुरू में आया था तब इसको हमने पीट करके भेजा था इसको जवाब दिया था हमने फिर ये कोल्हापुर गया वहां भी इसको जवाब दिया नहीं दिया तो बताओ शुरू से विरोध कर रहे हैं ठीक सरू यानी कि कि अब आप ये कह रहे हैं फिल्म रिलीज ही नहीं होनी चाहिए स्क्रीनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप ये कह रहे हैं ठीक तो है ठीक हाँ है ठीक है डॉक्टर इकबाल जी डॉक्टर जी क्या वाकई में आपको भी लगता है कि आईएस आईएस का पैसा इसमें लग रहा है दाऊद का पैसा इसमें लग रहा है और ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर वाकई में आईएस आईएस का पैसा इसमें लग रहा होता दाऊद का पैसा अगर इसमें लग रहा होता फिर भी क्या अलाउद्दीन खिलजी के किरदार को ऐसे दिखाया जाता कि आपको विरोध करना पड़ता देखिए मैं शुरू से यह बात कह रहा हूं कि इतिहास को इतिहास के तरीके से दिखाया जाना चाहिए इतिहास के ऐतिहासिक फिल्में बहुत सारी बनी हैं और बहुत सी ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिनमें आपत्तिजनक बातें थी ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिनमें इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है ठीक है उस समय के लोगों ने बर्दाश्त कर लिया लेकिन आज आज लोग जागरूक हो गए हैं ठीक है सर लेकिन मेरा आज, मेरा सवाल कुछ अलग है मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आई एस आई एस का पैसा इसमें लगा है मेरा बेसिक सवाल है अगर आई एस आई एस का पैसा इसमें लगा है तो भी क्या वो अलाउद्दीन खलजी के किरदार को ऐसे दिखाता कि आपको आपत्ति करनी पड़ती देखिए वो किस वजह से ऐसा दिखा रहे हैं ये तो वो जाने और किसका पैसा इसमें लगा है ये जांच का विषय है और ये इसकी जांच तो पुलिस करेगी ये उनका काम है मेरे जानकारी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है लेकिन बहरहाल मैं तो ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि भाई इतिहास दिखाना है आपको तो उस जो जो सच में हुआ है वो दिखाइए आप काल्पनिक चीज़ें क्यों दिखाते हैं आप आपने कैसे मान लिया कि रानी पद्मावती को जो आप दिखा रहे हैं वो ऐसी दिखती थी आपने कैसे मान लिया कि वो ऐसे कपड़े पहनती थी आपने कैसे मान लिया कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा दिखता था आपने कैसे मान लिया कि वो ऐसा था यानी उसको नेगेटिव ही किरदार में क्यों पेश किया गया उसने कोई पॉजिटिव चीज़ें भी तो की होंगी ना उसको तो अभी नेगेटिव ही किरदार देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके बारे में कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं होगी नहीं देखिए ट्रेलर में ऐसा देखिए आप ये ट्रेलर में ऐसा महसूस हो रहा है कि उसमें कई लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली चीजें हैं जी इसलिए जब तक सब लोगों की सहमति ना हो जाए सेंसर बोर्ड उसको पास ना करे आप ये कह रहे हैं जी और अगर YouTube पे फिल्म आ गई तो क्या करें YouTube पे नहीं आनी चाहिए इस बात कर, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए ये काम जो है हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस है उसका काम है और इनको अपनी फिल्म की रक्षा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि वो अमित गोयल जी सर बीजेपी की सरकार यहां भी है बीजेपी की के सरकार केंद्र में भी है सर बेसिक सवाल तो यह कि जिस तरीके से विरोध यहां पर हुआ है उसके बाद यह कानून क्यों नहीं लाया जा रहा कि अगर ट्रेलर भी लॉन्च होगा अगर गाना भी यूट्यूब पर लॉन्च होगा या उसके उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा तो उससे पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा वो भी तो फिल्म का हिस्सा है ना सर देखिए पहली बार इस तरह का इश्यू आज सामने आ रहा है निश्चित रूप से कुछ सालों से ऐसा सा प्रयास देखने में आता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ एक सॉफ्ट वार चल रहा है अकबर जोधा में हमने देखा और भी ये फिल्में आई और निश्चित रूप से ये जो फिल्म आ रही है ये तो सीधा सीधा बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्वाभिमान का इशू है माँ पद्मावती जो जहर खा के मर सकती थी कटार गोप के मर सकती थी अपने 16000 और महिलाओं के साथ में उन्होंने झोर किया इसलिए किया कि मृत्यु के बाद में भी उनकी सतीत्व को कोई छू नहीं पाए उनके तन को कोई छू नहीं पाए पवित्र ना कर पाए तो ऐसी महावीरांगना के साथ में जिस तरह इतिहास की छेड़छाड़ की बात की जा रही है और ये जो प्रश्न आ रहा है कि भाई इस तरह का टेलर ब्रिज नहीं होना चाहिए तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ स्वाच्छा संस्था है अमित जी क्या आप ये नकवी साहब तो भी तो समझाएंगे मानता बदलाव होगा समय के अमित जी सामने क्या मुख्तार अब्बास नकवी साहब को भी आप ये समझाएंगे कि ये फिल्म फिल्म नहीं है इतिहास है इसको फिल्म के नजरिए से नहीं लिया जा सकता ये समझाया जाएगा देखिए मुख्तार अब्बास नकवी जी का जो स्टेटमेंट मैंने देखा दो लाइन का उन्होंने स्टेटमेंट दिया चलते चलते अगर मैं समझता हूं उनसे पूरी ठीक से बात की जाती तो उनका मत यही होता है इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं शब्द उतने ही होंगे आप मुख्तार अब्बास नकवी जितने राजनाथ सिंह जी की बात भी क्यों नहीं करते हैं उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ होगी तो नहीं सर मैं तो गृह मंत्री की बात कर रहा हूँ स्वामी ने कहा नहीं देश के गृह मंत्री की बात कर रहा हूं देश के गृह मंत्री की बात भी तो कर रहे हैं आपसे राजकुमारी दिया कह रही है हैं कि प्रदेश के गृह मंत्री वजूद नहीं रखते नहीं नहीं, ऐसा बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए मुख्तार अब्बास नकवी की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए अब कह मिला के लोकतंत्र में जनता जनार्दन है जनता की भावना ये है

इतिहास पर जो फिल्म बनती है वो कई लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती है इसलिए उन्हें पहले पूरी तरह सरकार को उसकी जानकारी देनी चाहिए किस पर बना रहे क्या बना रहे किस सब्जेक्ट पर बना रहे तो सरकार की नज़र में रहे या कोई भी परमिशन देने वाली संस्था हो उनकी नज़र में होना चाहिए